जानता है। भगवान बुद्ध का संदेश यह था कि इस देश में इंसान और इंसान के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, वह भगवान बुद्ध का धर्म सिखाता है। उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने जीवन में एक मध्य मार्ग का आविष्कार किया, क्योंकि अन्य धर्म में ये था कि तमाम हठ योग से तमाम तरह से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं बल्कि यह जीवन, यह जो जीवन है यह कितना अच्छा होगा इंसान का, वही अच्छा होगा। तो भगवान बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग दिया, उन्होंने कहा कि हर तरह के अतिवाद वर्जित वर्जना है, तो मध्यम मार्ग का संदेश दिया और आज उसे पूरा विश्व स्वीकार करता है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कोरिया हो, इंग्लैंड हो, ये सारे के सारे देश के लोग आज बौद्ध धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, देश के युवा बौद्ध धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब पूरा विश्व कहने लगा है कि हमें बुद्ध चाहिए। अब युद्ध से पूरा विश्व त्रस्त हो चुका है, वो कहता है कि युद्ध नहीं चाहिए बल्कि अब हमें बुद्ध के मार्ग पर चल कर के विश्व में शांति कायम किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने जो आचरण बनाया, पंचशील दिया, वह चाहे भारत का कोई रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, जो पंचशील दिया है, जो उन्होंने कहा कि हम प्राणी हत्या से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्होंने कहा कि हम चोरी नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हम नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, या व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में अगर इसका पालन वो करता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन सुखी होगा, समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, और जब पूरे लोग अच्छे होंगे तो यह विश्व अच्छा होगा। तो साथियों, भगवान बुद्ध के आज के इस पावन पूर्णिमा के अवसर पर मैं विश्व को इस बात का आह्वान करता हूँ कि भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं, भगवान बुद्ध के जो बताए हुए शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं पर, उन संदेशों को अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो निश्चित माने कि भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और अमन चैन होगा। किसी भी तरह का जो दुराग्रह है, जो तमाम परेशानियां भारत में हैं, उन सभी परेशानियों से हम मुक्त हो जाएंगे और देश खुशहाल होगा। यही मंगल कामना विश्व के लोगों को है, भारतवासियों को है, और बनारस के इस प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्मारक पर यह जो बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन हो रहा है, इसमें प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, हर गांव से लोग आए हुए हैं, ये जाते हैं और अपने गांव में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रचार